हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पोर्टफोलियो रिव्यू। आज है 12th October 2021, और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 5,70,964 रुपये का एक बहुत ही रिस्की पोर्टफोलियो। मैं रिस्की क्यों बोल रहा हूँ, ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा। इन्होंने इसके अंदर टोटल 16 शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया। अगर देखा जाए तो दोस्तों, इनका जो पोर्टफोलियो का वॉल्यूम है टोटल ऑलमोस्ट 6 लाख रुपये के आसपास, ठीक है। आज की डेट में तो इसका वैल्यूएशन 6 लाख रुपए क्रॉस भी कर चुका है। तो इनके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग अगर इन्होंने ये पोर्टफोलियो के अंदर टोटल 20 से 25 शेयर इन्वेस्ट करता वो काफ़ी अच्छा रहता। तो फिलहाल देखिए, इनके पोर्टफोलियो में 17% की प्रॉफिट मिल रहा है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि 17% को सर प्रॉफिट मिल रहा है तो इसके बावजूद भी रिस्क कैसे हुआ। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे कैसा मिस्टेक किया, जो मिस्टेक्स इनको एंड आप सभी को नहीं करना चाहिए कभी भी। और इनका जो टारगेट है 15 साल का, तो सर ये मिस्टेक्स को कैसे आप सोल्यूशन हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला मिस्टेक दोस्तों, इन्होंने पहला शेयर में किया है। देखिए, कैम्स नो डाउट अच्छा कंपनी है, अच्छा शेयर है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, बट इन्होंने मिस्टेक किया। इनका जो 5,70,000 का पोर्टफोलियो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेज दे दिया कैम्स के अंदर, कितना, 2,36,000 रुपये का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी शेयर में इतना ज़्यादा वेटेज मत देना, बट हाँ कुछ कुछ केस में सही भी होता है। जैसे कि आपने अगर बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट, IRCTC, इन्फोसिस जैसे शेयर के अंदर इतना वेटेज देता तो वो काफ़ी अच्छा रहता, बट मतलब इतना ज़्यादा वेटेज कोई भी शेयर में देना नहीं चाहिए। ये मैं स्टिल मैं आपको सभी व्यूअर्स को बोलूँगा कि चाहे वो बजाज फाइनेंस हो चाहे दीपक नाइट्राइट, हाँ इक्वली इन्वेस्ट कीजिए, बट वेटेज देना ही है तो इस टाइप की स्टॉक में दीजिए। मतलब जो जो मैं एग्जांपल दिया, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहला मिस्टेक किया कि कैम्स के अंदर इतना ज़्यादा वेटेज दे दिया। आज की डेट पे 2.5% के लॉस में है। ऑलरेडी ये शेयर को ASM लिस्ट में ऐड भी कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट अच्छा कंपनी है, बट अभी आपको थोड़ा सा पेशेंसली वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, मतलब होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट शेयर क्या है, बट उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी मैं लास्ट में बताऊँगा। नेक्स्ट शेयर देखिए, इन्होंने पिक किया दिव्यानी इंटरनेशनल। कुछ टाइम पहले IPO आया था, मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ, 118 रुपये के आसपास इन्होंने शेयर को पिक किया। आज की डेट पे 114 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है, तो लगभग 3.5% का इनको प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। टोटल 2,360 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी दोस्तों थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा वॉलेटाइल है, क्योंकि पर्टिकुलर ये जो जिस सेक्टर से बिलोंग करता है ये थोड़ा सा वॉलेटाइल सेक्टर है, तो जिसके कारण मैं सारे व्यूअर्स को यहाँ पे इस टाइप के शेयर रेकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर आपको निवेश करना ही है तो जुबिलेंट फुटवर्क जबरदस्त शेयर है, तो उसके अंदर आप निवेश कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपके पास उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है सर, लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर इन्होंने पिक किया एक्सोरो टाइल्स। इसके ऊपर तो मैं भी खरीदने का राय दिया था, इवन जब मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ था। ये कंपनी अच्छा है और कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा है, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लिया है कि उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, कितना 2,500 का ही किया। ये काफ़ी अच्छा सोच है सर आपका। आज की डेट पे 107 का प्राइस चल रहा है, तो देखिए 25% का प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो इसके अंदर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट शेयर इन्होंने इन्वेस्ट किया है GLS, मतलब ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। कुछ टाइम पहले IPO आया था, और IPO जब से मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ तब से लेकर आज तक हमने देखा है कि शेयर के अंदर में लगातार गिरावट देखने को मिला। तो आज की डेट पे देखिए शेयर लगभग 660-670 रुपये के आसपास पहुंच चुका है, जहां पे इनको मिला लगभग 4% का लॉस, 20,875 रुपये का इन्वेस्ट किया। तो इस टाइप के थोड़ा सा रिस्की शेयर के अंदर उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना सही नहीं है। तो देखिए इन्होंने 10 शेयर और पिक किया। अगर हम देखा जाए इसके अंदर आप अगर 10,000 का इन्वेस्ट करता वो काफ़ी बेटर रहता, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट शेयर क्या है। नेक्स्ट शेयर इन्होंने बढ़िया प्राइस में शेयर को पिक किया, और मुझे लगता है कि देखिए ये एकमात्र शेयर है जहां पे इनको लगभग 85% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो जिसके कारण इनके पोर्टफोलियो में हमें मतलब इतना रिस्की शेयर पिक करने के बावजूद भी लगभग 17% का प्रॉफिट शो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर IEX की वजह से। ये शेयर तो इसी लेवल पर मैं भी आप सारे व्यूअर्स को रेकमेंड किया था लगभग कुछ महीने पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आज की डेट पर किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ऑलमोस्ट 800 रुपये के आसपास चला आया है। तो इन्होंने इसके अंदर काफ़ी
अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, लगभग 53,250 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, मोनोपोली कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आँख बंद करके होल्ड कीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। बट उसके पहले दोस्तों यहाँ पे सारे व्यूअर्स के लिए मैं बोलूँगा, इनका जो स्क्रीनशॉट है ये थोड़ा सा डार्क है, तो आप आपके फ़ोन का ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा लेना। आप अगर लैपटॉप पीसी में देख रहे हो तो उस केस में उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेना। तो दोस्तों नेक्स्ट शेयर है इंडिगो पेंट्स, कुछ टाइम पहले ही मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ था। तो आपने अगर इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको याद होगा, मैं जब भी पेंट सेक्टर का एग्जाम्पल देता हूँ या नाम लेता हूँ, हमेशा मैं दो पेंट सेक्टर का स्टॉक की नाम लेता हूँ, एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट। तो आपने देखा होगा कंपनी तो नॉट आउट अच्छा है, बट कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना वैल्यूएशन में आप तो एशियन पेंट्स बर्जर पेंट आपके पास बढ़िया ऑप्शन है। और जब से मार्केट में लिस्ट हुआ तब से लेकर आज तक दोस्तों इसके अंदर कुछ खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला, काफ़ी टाइम हो गया है मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ है। टोटल 28,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है फिलहाल। मैं आपको बोलूँगा सर कि आप इसके अंदर होल्ड कीजिए, जब आप प्रॉफिट में आ जाएंगे तो उस केस में आप प्रॉफिट बुकिंग करके, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। नेक्स्ट ईयर देखिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है आईपीएल के अंदर, तो ये बढ़िया कंपनी है, कंपनी अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा समझदारी दिखाया। तो इन्होंने कितना निवेश किया, 6,500 का। आपने अगर इंडिगो पेंट्स या पहले में हमने देखा है कि कैम्स के अंदर या दिव्यानी के अंदर उतना ही निवेश करता तो वो काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट रहता आपके लिए। तो आईपीएल के अंदर मैं मतलब इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, ये भी ज़्यादा पुराना लिस्टेड कंपनी नहीं है, वही 3 महीने के आसपास ही मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ। आज की डेट पे हमें इसके अंदर कमजोरी देखने को मिल रहा है, लगभग 4.5% के आसपास ये लॉस में दिख रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको बोलूँगा कि सर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, उतना ज़्यादा आपके पास होल्डिंग भी नहीं है। तो नेक्स्ट शेयर देखिए इन्होंने पिक किया है IRFC के अंदर, 22 रुपये 22 पैसे। ये आपने अच्छा प्राइस में शेयर को पिक किया, बट मुझे लगता है कि आपने थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, ऑलमोस्ट 46,000 रुपये का निवेश कर दिया आपने IRFC के अंदर ही। तो आज की डेट में प्राइस चल रहा है लगभग 23.5 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे मेरा रणनीति रहेगा कि आप इसके अंदर ऑलमोस्ट 60% शेयर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, और जो जो शेयर में मैं आपको लास्ट में इन्वेस्ट करने का सलाह दूंगा वहाँ पे आप निवेश कीजिए। तो नेक्स्ट शेयर देखिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है किम्स, कुछ टाइम पहले ही IPO आया था हॉस्पिटल सेक्टर से किम्स। तो आज की डेट पे अगर हम बात करें तो इसका प्राइस लगभग 1100 के ऊपर चल रहा है। तो ये आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा, और मुझे लगता है कि आपको ये जो IPO आया था, IPO के अलॉटमेंट मिला था, तो जो लॉट रखा गया, जो इशू प्राइस रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे प्राइस है। तो जहाँ पे इनको मिल रहा है लगभग 40% का प्रॉफिट, तो ऑलरेडी आप अच्छा खासा प्रॉफिट में भी है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप होल्ड कीजिए, और कुछ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट ईयर इन्होंने बढ़िया इन्वेस्ट किया। तो देखिए जब आप इस टाइप के शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा वहाँ पे सेफ भी रहता है, उसके साथ साथ कंटिन्यू रिटर्न भी मिलता है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, आपके सामने क्लियर कट एग्जाम्पल है। कुछ टाइम पहले ही रिलैक्सो फुटवर्क का यहाँ पे जो शेयर इसी रेंज में चल रहा था, बहुत बार सभी व्यूअर्स को बोला था उठाइए उठाइए, आज की डेट में देखिए ये 1300-1350 के ऊपर पहुँच चुका है। देखते ही देखते टोटल 16% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, 53,787 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। आँख बंद करके इस टाइप की शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। नेक्स्ट शेयर इन्होंने बढ़िया डिसीजन लिया कि इन्होंने इंडिया का नंबर वन कंपनी को रखा, जिसका फ़ायदा इनको सीधा सीधा मिल भी रहा है। देखिए 2031 रुपये के आसपास शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया, आज की डेट में तो 2600 के ऊपर शेयर चल रहा है, टोटल 20,000 रुपये के ऊपर इन्वेस्ट किया। ये आपका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रहा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर भी आप होल्ड कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पेज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है सोना कॉमस्टार, ये भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहा आपका। कुछ कुछ शेयर में आपने अच्छा इन्वेस्ट किया, ये भी मैं मान लेता हूँ। सोना कॉमस्टार के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया 291 रुपये के अंदर, इसके ऊपर भी मैं लगातार खरीदारी करने का राय दिया था। जो लोग इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको अच्छे से मालूम होगा, कुछ टाइम पहले इवन जब शेयर 600 रुपये के नीचे आ रहा था तभी मैं आपको रेकमेंड किया था, आज की डेट में 650 के ऊपर चल रहा है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रहा है, बढ़िया कंपनी है, टोटल 124% का इनको रिटर्न मिल रहा है, 25,600 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। तो ये कुछ गिने चुने शेयर है जिसके कारण आपका पोर्टफोलियो अभी प्रॉफिट में दिख रहा है, बट आपका पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्की शेयर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर देखिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है केमिकल सेक्टर का एक रिस्की कंपनी, सुमितिमो केमिकल, छोटा कंपनी है। इसके अंदर मैं रेकमेंड तो एक दो बार किया था, बट इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का रेकमेंड मैं कभी नहीं किया। अगर आपको केमिकल सेक्टर में निवेश करना ही है तो सबसे फर्स्ट चॉइस है दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्री, उसके बाद आता है बहुत सारा कंपनीज है, नवीन फ्लोरिन हो गया, उसको छोड़ के पिडिलाइट इंडस्ट्री हो गया, बट दीपक नाइट्रेट आरती इंडस्ट्री इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, जहाँ पे आपका पैसा सेफ रहता है उसके साथ साथ कंटिन्यूस आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा, मतलब बहुत ही स्पीड में। तो यहाँ पे मेरा रणनीति रहेगा सुमितिमो केमिकल को थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर जाइए। आपके पास कितना होल्डिंग है, 32,000 रुपये का, यहाँ से आप 80% प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि आपने आज की डेट में छोटा मोटा प्रॉफिट में बैठे 80% प्रॉफिट बुकिंग करके वही पैसा आप दीपक नाइटेड या आरती इंडस्ट्री में इक्वली डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर देखिए इन्होंने पिक किया VVL के अंदर, वरुण बेवरेज लिमिटेड के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया बढ़िया प्राइस में, आज की डेट में काफ़ी
अच्छा खासा प्रॉफिट में भी है 20% के ऊपर। टोटल 18,650 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो इसके अंदर मैं बोलूँगा कि आप आग बंद करके होल्ड कीजिए। अच्छा कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट ईयर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे समझदारी दिखाया, विकास लाइफ केयर के अंदर निवेश किया। 3.60 रुपये का शेयर में पिक किया, आज की डेट में 3.45 रुपये का शेयर चल रहा है। 4% का जहाँ पे इनको लॉस मिल रहा है, बट इन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत ही मिनिमम रखा है 720 रुपये का। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही समझदारी दिखाया, तो यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगा आप होल्ड कीजिए, उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ईयर देखिए इन्होंने पिक किया है जेंसा टेक्नोलॉजी। कंपनी अच्छा है बट कंपनी बहुत ही रिस्की है। आज की डेट में आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट में आप यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया है, तो उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, 8,000 रुपये का टोटल इन्वेस्ट किया। आज के डेट में 28% का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे जेंसा टेक्नोलॉजी का जो चार्ट पैटर्न है, लास्ट 1-1.5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, उसके पहले का अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल। तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक में आपको निवेश कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर किया तो चलो ठीक है, 2-3 हज़ार निवेश कर दिया आप पोर्टफोलियो का, चलो ठीक है आपने 8,000 का निवेश किया, बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप होल्ड कीजिए। तो कुछ कुछ शेयर जहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का सलाह दिया, जैसे कि सुमितोमो केमिकल, यहाँ से आप 80% शेयर सेल करके यानी प्रॉफिट बुकिंग करके दीपक नाइट्राइड आरती इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट जहाँ पे आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया, जैसे कि इंडिगो पेंट्स के अंदर मैं आपको सलाह दिया, इंडिगो पेंट्स के अंदर ऑलमोस्ट 50-60% का प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। जब आप प्रॉफिट में आ जाएंगे उसके बाद आप एशियन पेंट्स एंड बजट पेंट्स में कोई भी शेयर में आप पिक कर लीजिए, दोनों ही कंपनी अच्छा है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया था IRFC के अंदर। जी हाँ, IRFC के अंदर भी दोस्तों आपने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट में, यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगा आप 50-60% प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, राइट। प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ कुछ शेयर जैसे कि इन्फोसिस, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्फोसिस, IRCTC, इसका तो आपने टच ही नहीं किया, इसके अंदर निवेश कीजिए। आपका इतना बढ़िया पोर्टफोलियो है, मतलब पोर्टफोलियो का साइज़ के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, 6 लाख रुपए के आसपास पोर्टफोलियो है, वैल्यूएशन चल रहा है, आपने बढ़िया शेयर पिक कर सकते थे। जैसे कि बजाज फाइनेंस ने आपको पिक नहीं किया, दीपक नाइटेड को पिक कीजिए, यहाँ पे IRCTC को पिक कीजिए, इन्फोसिस को पिक कीजिए, इस टाइप के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए था। और सबसे जो यहाँ पे आपने गलती किया कैम्स के अंदर, यहाँ पे तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 90% यहाँ पे लॉस बुकिंग कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके 90% लॉस बुकिंग कीजिए। आपके पास ह्यूज होल्डिंग पड़ा है, 90% सीधा सीधे यहाँ पे शेयर को निकाल लीजिए। और वही शेयर में जो जो शेयर यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड किया, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइटेड, वहाँ पे भी मैं आपको बोला था, उसके साथ साथ टाटा कंज्यूमर के अंदर निवेश कीजिए, पॉलीकैब इंडिया के अंदर निवेश कीजिए, इन्फोसिस के अंदर निवेश कीजिए, हो सके तो विप्रो के अंदर निवेश कीजिए। ये शेयर में इक्वली डिवाइड कर दीजिए। और जैसे कि आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं, फॉलो कीजिए, जब भी कोई भी शेयर में खरीदारी करने का मौका आता है हमेशा मैं आपको अलर्ट कर देता हूँ, बता देता हूँ सारे व्यूअर्स को। वीडियो कहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।